आजकल एक सीरीज की खूब चर्चा हो रही है जो कि इंडियन नहीं बल्कि टर्की की हिस्टोरिकल फिक्शन एंड एडवेंचर टेलीविजन सीरीज है जिसका नाम है दिरिलिस एर्तुगरुल। ये शो एक टर्किश शो जरूर है लेकिन आप इसे उर्दू डबिंग में भी देख सकते हैं। इस शो के 5 सीजन रिलीज हो चुके हैं जो एक से बढ़कर एक है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। वही आज हम आपको इस सीरीज के मेन कैरेक्टर एर्तुगरुल का रोल निभाने वाले एंगिन अल्टन दूजातान के बारे में बताने जा रहे हैं। एंगिन अल्टन दूजातान का जन्म 26 जुलाई 1979 को हुआ था। वो एक टर्किश एक्टर हैं जिन्होंने कई शोज में काम किया है। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली है दिरिलिस एर्तुगरुल शो में जिसमें एर्तुगरुल का रोल उन्होंने प्ले किया है। उनकी फैमिली टर्किश माइग्रेंट्स है जो यूगोस्लाविया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने डोकूज आयलूर यूनिवर्सिटी से थिएटर सीखा। वो कोर्स खत्म करने के बाद इस्तांबुल शिफ्ट हो गए जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उन्होंने टीवी सीरीज रुहसर से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो टर्की के जाने माने शोज में नजर आने लगे जिनमें यदि तेपे इस्तांबुल, कोकुम बेनिन और एलेसा कारानलिक है और एलेसा कारानलिक जैसे शोज शामिल है। 2005 में उन्हें फिल्म बेजानिन कादल लरी में काम करने का मौका मिला था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मुस्तफा अल्टियोकलर ने और साथ ही साथ कैल्विन जमानी ने। इसके बाद 2007 में सीरीज सेवगिली दोनुरुम में वो नजर आए। इसके अलावा वो 2008 में फिल्म सेनेट, 2009 में मेजोनियट, वहीं 2009 में उन्होंने डॉक्टर सेरदार बाटूर का किरदार सीरीज बिर बुलुट ओल्साम में नजर आए थे। दूजादान ने एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म न्यूयॉर्क द बेस मिनारे, बीज अबूक डेनिस, इतना ही नहीं उन्होंने गेम शो द मिलियन पाउंड ड्रॉप लाइव के टर्किश वर्जन कैनली पारा को भी होस्ट किया था। वहीं 2014 में सीरीज सिनायत में भी वो नजर आए थे। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो 28 अगस्त 2014 में उन्होंने सलीम सोयदान और फूला कोसाइगिट की ग्रैंड डॉटर नेस्लिसा अल्कोक्लर से शादी की थी। दोनों का एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम है एमिर अरास जो 2016 में पैदा हुए और बेटी का नाम है अलारा जिनका जन्म 2018 में हुआ था।